विज्ञान का मानना है कि ब्रह्मांड चार चीजों से बना है, एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम। आइए जानते हैं कि विष्णु पुराण के अध्याय 2 के 17वें श्लोक में मुनि पराशर ने क्या बताया है। वे बताते हैं कि प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, ये जो कि भगवान विष्णु के रूप हैं, पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। आइए इन चारों तत्वों को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, काल का मतलब आपको पता ही है, यानी कि टाइम। व्यक्त का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष हो, हमें दिख सके, यानी कि पदार्थ, यानी कि मैटर। अब पुरुष के बारे में आगे बताया गया है कि पुरुष और प्रधान के मिलन से ब्रह्मांड आगे बढ़ता है। पुरुष हमेशा संरक्षित रहता है, परिमाण में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात वो एनर्जी है। और प्रधान का परिवर्तित होते रहना ही स्वभाव है, अर्थात वो स्पेस है जो फैलता जा रहा है। जब ब्रह्मांड चारों ओर फैलना चाहता है तो उसका प्रधान यानी कि वॉल्यूम यानी कि स्पेस उसके पुरुष यानी कि एनर्जी में घुल जाता है। जैसे विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड को फैलाने वाली डार्क एनर्जी उसके स्पेस में घुली हुई है।